भागलपुर में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमडंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल की एसटीएफ ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित व निर्मित बैरल के साथ 5 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 मुंगेर, 1 खगड़िया का रहने वाला है। एसटीएफ ने हथियार बनाने में प्रयुक्त मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, लेकिन भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने इस बात से इनकार किया है। एसएसपी ने कहा कि सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। अब भागलपुर पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध गिरोह है उसके खिलाफ लगातार हम लोग की कार्रवाई चल रही है, और उसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई कहलगांव अनुमंडल के अमडंडा थाना अंतर्गत चांदपुर गांव है वहां पर हुई है, जिसमें भागलपुर पुलिस ने कलकत्ता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। पिछले वर्ष बेहतर कार्य करने वाले भागलपुर रेंज के सभी पुलिस कर्मियों को आज भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसको लेकर भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। खासकर पिछले वर्ष वे कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी के साथ नशा के खिलाफ जो पुलिस कर्मी बेहतर कार्य किए थे उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज के सम्मान समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी एसपी के रामदास, सिटी डीएसपी अजय चौधरी के साथ भागलपुर बांका नवगछिया पुलिस जिला के अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। पूर्वीय रेंज के वो पदाधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्ष, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें से मुख्य रूप से 2 काम जो हैं उल्लेखनीय हैं। एक तो मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कार्रवाई हुई और करोड़ों की अवैध नशीली वस्तुएं बरामद हुई, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। राज्य स्तर पर इन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसी क्रम में आज यह सम्मान समारोह उन पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया। सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत के नसोपुर गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकार के द्वारा सहायता राशि नहीं मिलने पर नसोपुर गांव के समीप NH-80 पर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचकर CEO रवि कुमार, VDO संजीव कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करते हुए सभी को बाढ़ राहत सामग्री मिलने की बात कर सड़क जाम तोड़वाया गया। इस दौरान तिलकपुर मुखिया अमित कुमार, उप मुखिया सत्यम कुमार सहित बाढ़ प्रभावित ग्रामीण मौजूद थे। कौन सा गाँव है? नसोपुर वार्ड 7 नंबर है। पब्लिक लोग आज 3 दिन से क्या कहा जाता है, बाढ़ आपदा में लोग सब तरह से फंसा हुआ था, ना चलन शौचालय की व्यवस्था थी और ना क्या कहा जाता है राशन इनको प्रोवाइड किया गया था, और 4 सेंटर कोलकाता में चल रहा है लेकिन नसोपुर में सेंटर का अभाव था। दूरदर्शिता आपदा विभाग और हमारे पंचायत प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं वो ढंग से नहीं करवा पाए, इसके चलते यह सिचुएशन आया। अभी ग्राम पंचायत तिलकपुर में एक जो आपदा में सेंटर चल रहा है कन्या मध्य विद्यालय तिलकपुर को, मैंने अपना सेंटर को बंद करके मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को कहा कि मेरा सेंटर क्लोज कीजिए तिलकपुर का और उसको आप क्या कहा जाता है नसोपुर में शिफ्ट कीजिए और सारे लोग को राहत दीजिए। माँ जीवन की सार होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माँ का भरपूर प्यार मिलता है, लेकिन अपने सोशल स्टेटस दिखाने, घरेलू विवाद के चलते अपनी बूढ़ी माँ को अपने परिवार से दूर बेनामी गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर कर किसी न किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं सोचती। उनके मन में बच्चे के लंबी उम्र और तरक्की के प्रति सद्भावना रहता है।
शायद यही भाव लेकर भागलपुर में संचालित वृद्धाश्रम में बिहार का लोक पर्व जीतिया आश्रम में रह रही महिलाओं अपने बच्चों के लिए मना रही हैं और उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी निर्जला उपवास रखकर अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भागलपुर के नाथनगर में समाज कल्याण विभाग बिहार द्वारा वृद्धाश्रम संचालित है जिसमें 25 वृद्ध महिलाएं रह रही हैं। इसमें कई महिलाएं जीतिया पर्व कर रही हैं। व्रत कर रही महिलाओं ने बताया, बच्चे हमें यहाँ भेज कर अगर खुश हैं तो हम भी खुशी हैं, लेकिन हम अपना फर्ज कभी नहीं भूल सकते। हम अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए सदैव कामना करते रहेंगे। कहा था कि हमको नहीं पूरा कुछ हाथ में नहीं आता, दिक्कत हुआ तो चले जाओ। आज क्या की हुई है आप? आज क्या की है? जीतिया का। जीतिया की है? जीतिया का। किसके लिए किए हुए हैं जीतिया? जीतिया का बेटा ना, आप नहीं है बेटा? अच्छा, सब बेटा करा पता करा, सुखी संपत्ति रहो बचो। मतलब आपके लिए इतना कष्ट और हमको दुखिया है तो हम दुखिया रहो, अब आप सुख करी के कहां जाओ। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले भागलपुर के होमगार्ड जवानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कंबाइंड बिल्डिंग में बैठक आयोजित किया। बैठक में भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावे कहलगांव, नवगछिया पुलिस जिला से होमगार्ड के जवान आए थे। इन सभी होमगार्ड जवानों की मांग है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारी के वेतन में हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता की राशि दी जाती है, ठीक उसी तरह होमगार्ड जवानों को भी मिले। इसको लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जिला सचिव विभास कुमार झा ने बताया कि जब बिहार पुलिस का जवान 24 घंटे ड्यूटी करता है इसी तरह का भत्ता मिलता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी 2400 घंटे काम करते हैं तो हमें क्यों नहीं दिया जाता है। इसको लेकर हाई कोर्ट का आदेश भी आया है फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है। आज की बैठक से सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि 15 अक्टूबर तक हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग का धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसी को लेकर के उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए हम जिलों में पूरे बिहार के गृह रक्षकों को केंद्रीय टीम द्वारा जगाया जा रहा है, जो कि हम लोगों को सरकार यदि हमारा 15 अक्टूबर 2024 तक हमारी मांगों पर अविलंब कोर्ट के आदेश में आदेश जो दिया गया है स्पष्ट आदेश है समान काम का समान सुविधा, जब तक वह नहीं देगा तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।